शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय में लोगों ने रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। वे मांग कर रहे हैं कि 9 जून को नामी स्कूल की शिक्षिका द्वारा आत्महत्या मामले में पुलिस जांच को सही दिशा में ले जाया जाए ताकि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षिका को आत्महत्या के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने मजबूर किया। इस प्रदर्शन में कुल्लू जिला के ब्रो जगातखाना और शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के विभिन्न इलाकों से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज डीएसपी रामपुर के तबादले की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को बचाव का पूरा मौका मिला। उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, अन्यथा लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। जिला परिषद सदस्य दिलीप कायस्थ ने बताया कि आज जो प्रोटेस्ट किया है उसमें जिला शिमला और कुल्लू जिला के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लोगों ने इस मामले को राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षिका को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी के तबादले की मांग उठाई। आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया है, ये दिव्य की जो अभी जो मृत्यु हुई है, तो हमें संदेह है, हमारे जो जिस तरीके से विश्वास के साथ उनके माता पिता ने कहा कि ये एक आत्महत्या नहीं, एक मृत्यु है, मृत्यु के लिए उकसाया गया है, उनके घर वालों ने इसको, ससुराल वालों ने इसको उकसाया गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि डीएसपी रामपुर को यहाँ से स्थानांतरण किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर से इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो जाँच में दखल दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि कहीं दूसरे थाने में इसके आईओ को यहाँ पे लाया जाए दूसरे थाने से, और उसको ये तफ्तीश सौंपी जाए। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो है दिव्या के परिवार वालों को, जो है माता पिता को और पूरे रामपुर वासियों को न्याय मिल सके। शिक्षिका की बहन कीर्ति शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शन में पंचायत प्रतिनिधि व दूसरे संगठनों के लोग एकत्रित हुए। वे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं, और डीएसपी रामपुर का यहां से तबादला हो ये भी चाहते हैं। मैंने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करने का कारण ये था कि अभी तक मेरी बहन दिव्या कपूर के केस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग इसमें, जिन लोगों के नाम इस हत्या में, जिन लोगों के नाम इस हत्या से जुड़े हैं, वो अभी तक फ्री घूम रहे हैं। उनको पुलिस क्या कर रही है, क्या पूछ रही है, उनको बेल क्यों मिली, इतने सारे सवाल हैं। इसीलिए आज जिला परिषद से, पंचायत से, युवा कांग्रेस के लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब लोगों का सहयोग मिला है। इवन यहाँ तक जो लोग उससे जुड़े हुए थे, वो लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, जो कि न्याय चाहते हैं, न्याय की गुहार है। और अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो ये प्रोटेस्ट इससे बड़ा होगा। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस न्याय को तेजी से देखा जाए और डीएसपी को यहाँ से भगाया जाए। वहीं पंचायत के प्रधान वीरेंद्र बलूनी ने बताया कि जो प्रदर्शन रामपुर में हुआ है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर आकर लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों पर पुलिस नरमी बरत रही है, और मांग की कि डीएसपी रामपुर का तुरंत तबादला किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, अन्यथा आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, लोगों के भावनाओं को देखते हुए लोगों ने ये चाहा कि इसमें न्याय की गति जो है कुछ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने, सब ने जो है, राजनीतिक दलों ने जो भी थे, सब ने हमारे साथ सहयोग किया। इसमें प्रधान, जिला परिषद व अन्य पार्टी के लोगों ने भी इसमें समर्थन दिया, और उन्होंने जो है ये कहा है कि इस जांच को तेजी से लाए और न्याय की मांग, न्याय दिलाया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर इस तरह इसको, इस जांच को प्रभावित कर रहा है यहाँ का डीएसपी, सबकी मांग यही है कि डीएसपी को शीघ्र से ट्रांसफर करें, ताकि ये जाँच जो है सही दिशा में जाए। और लोगों का बड़ा भारी समर्थन है, वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे सारे लोग इकट्ठे होकर जो है सड़कों पर आकर, मतलब इस पुलिस स्टेशन का घेराव भी कर सकते हैं।
त्रिलोक बलूनी ने बताया कि पुलिस प्रशासन जो लोग अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे, चाहे वे शिक्षिका के परिवार हो या छात्र, पुलिस ने उन्हें दबाव में लाकर डराने धमकाने का प्रयास किया है। इस मामले में पुलिस की इंक्वायरी से भी संतुष्ट नहीं है, इसमें भेदभाव बरता गया है और अब न्यायिक जाँच होनी चाहिए। जो है और पुलिस प्रशासन जो है जिस तरह जो है जो अभी उनके कुछ स्टूडेंट्स आए थे उनको कहा बेटा जो है आप इस तरह जो है उनको श्रद्धांजलि के लिए जो है कैंडल लाइट प्रशासन नहीं निकाल सकता, हम FIR करेंगे। जो है पूरे परिवार का, पूरे रामपुर की जनता का जो है एक मत ये मानना है कि हम जो है पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारा किसी से व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है, हम ये जो है इसमें इस इंक्वायरी की बात करते हैं कि मामला बढ़ गया है और दूसरा जो इंक्वायरी ऑफिसर को यहाँ पर बिठाया जाए और उसके बाद जो है इसको जो है जांच को बढ़ाया जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है इसकी सुनवाई हो। जिला परिषद सदस्य शशि कटोच ने बताया कि रामपुर के साथ लगते क्षेत्र से पंचायत प्रतिनिधि इस प्रदर्शन में आए हैं और वे मांग करते हैं कि शिक्षिका की जो हत्या हुई है उसकी ईमानदारी से जांच हो, आने वाले समय में किसी की बेटी के साथ अन्याय ना हो। श्रीमती इंदिरा जी भी साथ हैं और हमारे वार्ड मेंबर और हमारे सभी पोषणा पंचायत के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिव्या कपूर के केस के सिलसिले में हमारे प्रशासन से मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस जो दिव्या कपूर का जो हत्याकांड है इसकी अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, ताकि आने वाले समय में किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा न्याय ना हो। पंचायत प्रधान इंदिरा देवी ने बताया कि दिव्या कपूर के साथ अन्याय हुआ है, एक लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और पुलिस अधिकारी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईमानदारी से जांच को आगे बढ़ाएं। उनकी जिंदगी ही चले गई। सबसे पहले DSP ये सोचे कि मेरा भी बच्चा है, कि किस तरह उस दिव्या के माँ बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। ये अन्याय जरूर मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तब तक दिव्या के माँ बाप अपनी नींद में नहीं सो सकेंगे। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि कुछ समय पहले एक शिक्षिका ने आत्महत्या की थी। इस मामले में कई संगठनों ने आकर ज्ञापन भी दिया और जांच को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मामले की गंभीरता को देखते हुए ईमानदारी से जांच के लिए कहा गया है, ईमानदारी के साथ मामले को आगे ले जाया जाएगा। वो प्रॉपरली नहीं हो रही है और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्पेशली ये अधिकारियों का नाम ले रहे हैं कि अधिकारियों के दबाव में जो है इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो रही और इन्होंने हमारे को रिप्रेजेंटेशन भी दिए। इस मामले में मैंने रिप्रेजेंटेशन का देख लिया है, जहाँ तक मैंने मामले पुलिस महकमे से बात की है तो इस तरह का मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभावित किया है पुलिस ने। और जो सुसाइड नोट मिले हैं सारी चीज़ें हमें उससे ऐसा ही लगता है कि जो जिसने भी किसी ने ऐसा जुर्म किया होगा उसके खिलाफ कानूनन जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने इसमें पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए कि आप जो है तटस्थ रूप से इसकी जांच करें और जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उपायुक्त महोदय शिमला के मार्फत जो है इनके रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज दिए हैं।